हेलो, तो नमस्कार गाइस, आपका स्वागत फिर से एक और नई शुरुआत के साथ। आज हम आए हैं गांव में। कल रात को संदीप राउत की मेहंदी के बाद हम दिखाते हैं आपको, चेक कराते हैं अपना गांव। ये यहाँ से मीटू पूरा एरिया देख सकते हैं आप, कैसा माहौल हो रखा है गांव का शादी का। अभी बारात के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकलना है, और हम हो चुके हैं रेडी। एक बार अपना लुक चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक। निकलना है गांव के लिए, अब जा रहे हैं हम यहाँ से। डायरेक्ट मिलाते हैं आपको शादी का। ये बाबा भोगनाथ का मंदिर है, माता भगवती का मंदिर भी दिखाएंगे आपको। और ये यहाँ पे अभी बारात तैयार हो रही है, हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं। और अभी ये है गाय माता जो है, दुल्हन बारात के लिए रेडी हो चुके हैं। ये जा रहे हैं मंदिर के बाद आशीर्वाद लेने के। बाबा भोगनाथ का मंदिर है पीछे, ये यहाँ से जाएंगे नीचे बाबा जी माता मंदिर के पास। और सारी बारात यहाँ पे रेडी हो चुकी है। देन वी आर नाउ गो, ये यहाँ पे माता मंदिर है जहाँ पे, यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद इसके बाद निकलेंगे बारात के साथ। संदीप रावत एंड गणेश रावत जी की शादी है आज। लेकिन शुरू गाँव का व्यू चेक करिए, आपको दोनों साइड से चेक करवा देते हैं गाँव का व्यू। ये हम अभी मिड पॉइंट पे हैं गाँव के। ये माला का मंदिर है और ये ऊपर से यहाँ से हम अभी आए थे नीचे की ओर। और यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद चलेंगे गाइस बाबा भोगनाथ के मंदिर के पास। वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद सीधा ग्राउंड में मिलते हैं आपको, दिखाएंगे वहीं की एक झलक। बाद इधर से बाबा भोगनाथ के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद बारात यहाँ से चलेगी। ये गाँव के लोग सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए दूल्हे का घर, और ये दोनों जो सामने खड़ी हैं मेरी दोनों दादी हैं। ये पीछे वाली मेरी अपनी दादी है और आगे वाली भी। सब लोग बारात का स्वागत करने के लिए नीचे जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड के पास सारी पब्लिक के साथ। तो गाइस ये है गांव का ग्राउंड, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था। और ये सारी भीड़ अभी यहाँ पे होगा नृत्य और नाश्ता वास्ता होगा जो भी लोग बारात में जा रहे होंगे। पूरी बारात रेडी हो चुकी है, सब लोग बस इंतजार है दूल्हे का। और ये गांव के लोग नृत्य करते हुए तांदी नृत्य, ये हमारे यहाँ का सबसे फेमस डांस है जो कि हर पावन अवसर पर किया जाता है। ये गांव के लड़के सारे रेडी है, यहाँ से नाच गाने के बाद बारात निकलेगी। देन आप चेक करिए, सारे बारात के लोग आ रहे हैं और जिनको नाश्ता करना है वो लोग अपना नाश्ता नुश्ता करने के बाद यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। सब चीज़ रेडी है और बारात निकलेगी यहाँ से। गाइस पूरा एक माहौल बना के रखते हैं शादी में, तो चेक कर सकते हो। दूल्हा भी आ चुका है दर्शन करने के बाद। अब यहाँ पे एक डांस होगा, सब लोग नाश्ता नुश्ता करेंगे। और रावत जी भी पहुँच चुके हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं रावत जी अपने शादी के उस पर। रावत जी एक बार कैमरे की तरफ देख के हाई कर दीजिए। रावत जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आज। और ये बड़े भैया गणेश रावत जी, और ये गांव का डांस जो तांदी के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। दूल्हा आज काफ़ी डिमांड में है, आपको एक झलक दिखाएंगे। जसमाल भाई की गाड़ी, सतीश साजा लोग आगे बैठे हैं, दोस्त भाई जसले ड्राइवर, गोल्डी भाई,
और बाकी सभी लोग अलावा जी काफी खुश नजर आ रहे हैं आज। और ये सब लोग आ रहे हैं, बारात की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, निकलना है यहाँ से। कब नौ जा रहे हैं हम, दो बारातें जा रही है। दादा प्रणाम। एक बारात कूनी जाएगी और एक बारात कपनोल। हम कपनोल वाले के साथ जा रहे हैं क्योंकि संदीप भैया हमारे थोड़ा ज़्यादा खास हैं, तो कपनोल भी हम आज तक गए नहीं हैं। मामा प्रणाम। मामा जी काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं आज हमें। तो गाइस पहुंच चुके हैं राडी टॉप एंड ये पीछे है प्रहलाद जी, राणा जी, ये श्रवण राव जी, ये मैं हूँ और ये लब्बू बाबा है हमारे बगल में, ये भाई जी हैं नरेंद्र राउत पिंडू और ये है रोबिन राणा गोल्डी भाई। और आगे बारात चल चुकी है यहाँ से कपनोल वाले कपनोल की साइड और कूनी वाले कूनी की साइड और ये कंचूर गांव से बारात की विदाई हो रही है। जय श्री राम, जय बाबा बोकनाथ। और ये बारात चल दी है, अब आपको रास्ते में दिखाएंगे प्रोग्राम। रोबिन राणा भाई जी आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर लेकिन मैंने अभी बैग नहीं दिया। चलो बड़ी अच्छी बात कही आपने। आपको लब्बू बाबा आप क्या बोलना चाहेंगे? सब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम इनको दिखाना चाहेंगे पीछे उधर टी चल रहे हैं हमारे पीछे। और ये गाइस हम पहुंच चुके हैं बरकोट मार्केट में, यहाँ से राडी टॉप निकलना है। राडी टॉप के बाद ये देखिए यमुना मैया के दर्शन कराते हैं आपको। और ये पीछे बेकरी वाला एरिया, हमें अभी जाना है राडी टॉप। राडी टॉप से कपनोल की पूरी सैर कराएंगे आपको, पहले बरकोट मार्केट का दर्शन कराते हैं। आगे हैं जाजू सती जाजू दसु भाई, जैसे ड्राइवर लब्बू एंड रोबिन राणा गोल्डी भाई जी एंड धीरेन्द्र राणा पिंटू भाई जी एंड भाई जी का भाई बेटा हमें पता नहीं है, पीछे है प्रहलाद राणा चूचा भाई जी और ये है महेश रावत जी और ये है श्रवण रावत जी, सारे भाई जी लोग बैठे हैं और इधर थोड़ा पीछे है थोड़ा इसमें लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है आज। और ये निकले हैं हम बढ़िया से वीडियो बनाते हुए बरकोट मार्केट, दिखाएंगे आपको होटल नेकलेस मून और ये बरकोट बाजार। और ये पहुंचे हैं राणा लॉज बरकोट, आप देख सकते हैं कंजर गांव का एक इकलौता लॉज है जो बरकोट में अपना रोला जमा के बैठा है, राणा टूरिस्ट लॉज। नारा चली कहीं क्या? व्हेन यू आर विजिट इन बरकोट यू शुड आल्सो टेक अ रूम। और रोहित भाई लोग भी खड़े हैं ठेके के बाहर, ठेके के बाहर खड़े हैं लौंडे। और गाड़ी है ये वापस की गाड़ी है, ये कूनी जा रही है बारात में, दो जगह की बारात है। तो बरकोट बाजार पीएनबी बैंक के पास पहुंचे हैं, लब्बू निकालता क्यों नहीं जसलिया। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम राडी टॉप नहीं पहुंचे हैं अभी, इन पपीज को खिला रहे हैं कुछ और पपी फेल हो चुका है एक बार फिर से। बेटा सुसो उबुआनी ये लोड रही थी तो खवानी जरा पर काफी अच्छा। गाइज यदि आपको छोटा लद्दाख दिखना है तो आप जरूर आइएगा, ये सिर्फ यहाँ पर भगवान बोकनाथ का मंदिर है जो कि अभी सुरंग वाली घटना के बाद बनाया है जितना मुझे लग रहा है। और आप देख सकते हो आगे का दृश्य और आपके सामने अभी पूरा व्यू देखने को मिलेगा आपको, मिनी लद्दाख जिसे हम कह सकते हैं मिनी लद्दाख। तो आइए आप राडी टॉप को विजिट करिए, आपको अगर लद्दाख वाली फीलिंग ना आए तो जो मर्जी आप मुझे नहीं कहना, लेकिन खुद को आपको अच्छा फील कराने के लिए आप कह सकते हो कि हाँ राडी टॉप एक लद्दाख से भी अच्छी जगह है और आप अगर ऐसी जगह पर घूमते हो तो आपको काफी अच्छा फील हो सकता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं कपनोल गांव, जहां आपको बारात में जाना था। ये है कपनोल गांव, आप देख सकते हो कितनी अच्छी वाइब के साथ और कितनी अच्छी लोकेशन पे है कपनोल गांव, ये काफी हाइट पे है। कपनोल गांव में बर्फ पड़ने वाली है थोड़ी देर बाद। शादी हो रही है
ये गाइस नीचे देख सकते हैं आप लोग, सारा कुनल गांव ही दिख रहा है आपको। ये तो ऊपर कर लगे और बरातली कोई दिक्कत देना है। और कितनी हाइट पे है देख सकते हैं, ये नीचे गांव आपको दिख रहा है। आप उतर जाएं ये देखिए, ये है गांव कपनोल। और कपनोल में हमारा स्वागत है गाइस, क्योंकि हम सब लोग करते रुके हैं। और ये कपनोल गांव है गाइस, देखिए कपनोल गांव में रावत जी की बारात, बारात पहुंच चुकी है नीचे और हम बहुत काफी नीचे हैं अभी। लीजिए गाइस तो देखिए देखिए हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं। और कपनोल गांव वैसे राड़ी टॉप से ज़्यादा भी नीचे नहीं है, काफ़ी हाइट पर है कपनोल गांव। और देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आपको मिल रहा होगा, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी वादियों में घूमना। और जिनका गांव ही कपनोल में है और कंचेरू में है, वो तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। माना यहाँ पर थोड़ी सी सुविधाएँ कम हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी पूरे उत्तराखंड में शायद कहीं पर मिल पाए, हमें ऐसा भरोसा है। तो लीजिए कपनोल गांव में बारात पहुंच चुकी है, धन्यवाद। हमारे सुल्लभ भाई राणा जी वाली गाड़ी के पीछे खड़े हैं, क्या कर रहे हो सुल्लभ भाई यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई। हाँ इधर आ जाओ, इधर आपके पास आएंगे जरूर। ये देखिए सारे सवारी उतर चुकी है गाड़ी से नीचे, और हम जा रहे हैं अब शादी में बारात के साथ। और ये बारात मेहमान सब उतर चुके हैं, सब लोग चल रहे हैं नीचे की ओर। ये है हमारे दामी बड़ा जी, बारात थोड़े आगे निकल चुकी है, सब लोग साथ में, सब लोग उतर चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, जिसलिए भाई अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। और हम कपनोल गांव में पहुंच चुके हैं, यहां पर बारात बैठ चुकी है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो गांव की जनता भी बैठ चुकी है, हमारा स्वागत सत्कार हो रहा है, और रावत जी ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया है यहां पर। और सब इधर उधर दिखाते हैं आप लोग, सब लोग आपस में मिल रहे हैं, रावत जी का फिक्र हो रहे हैं यहाँ थोड़ा सा, उम्मीद लग रहा है आज कुछ नया सा हो रहा है। सब लोग नाच रहे हैं।
लोगों की वीडियो है जहाँ पे हम बारात में आ रखे हैं। बारात पूरे सारे दुल्हन की विदाई के साथ साथ हमारा बारात का निकलना भी हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग हमारे अपना बैंड बाजा बजाते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारे काफी अच्छा मनोरंजन का एक वो है। दुल्हन रो रही है और यहाँ से सारे लोग उनको विदाई देने आ रहे हैं। सभी ग्रामवासी एवं जो बारात के रावत जी काफी और साथ धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।